चला हुआ भालू कुछ टेंशन में लग रही है तो खाना तो खा ही लेंगे अब कम से कम अगर नहीं। तो यार पुलिस वाले सर आए वो कर रहे हैं बात, लोकल्स का ऑब्जेक्शन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं हूँ एक रिवर साइड लोकेशन पे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर लोकेशन है। गैस करिए कहाँ पर हूँ। वैसे अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं कहाँ हूँ अभी, और अगर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए। और अभी मैं हूँ तांडी से पीछे, जो संगम है यहाँ सामने, और संगम से पीछे ये ब्रिज पड़ता है, ब्रिज से इधर जो है ये एक लोकेशन है, छोटे छोटे पेड़ हैं इधर, यहाँ पर जो है कैंप करते हैं लोग, तो काफ़ी मस्त लोकेशन है इधर। और ये आ रही है हमारी चंद्रा रिवर, चंद्रताल लेक से आती है ये। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने यहाँ पर अपना लंच वगैरह बनाया खाया, और सुबह जो है हम लोग निकले थे सीसू से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना के, मतलब खा के बढ़िया मस्त। तो अब हमारा प्लान है यहाँ से जाने का जिस्पा, तो जिस्पा जाएंगे, जिस्पा रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे दारचा, दारचा चेक पोस्ट से देखेंगे क्या है माहौल, किस रोड पर जाना मिलेगा, जांस्कार जाएंगे या ले मनाली हाईवे से सीधा जाएंगे लद्दाख। देखो भाई धैर्य को क्या काम मिला है। ओहो चलो आ जाओ, अब आ जा, बस काफी हो गया, चलना बैठो गाड़ी में। तो मैं आ गया भाई गाड़ी में और चलते हैं यहाँ से। देखिए वहां पर भी भाई कैंपर लेके घूम रहे हैं, मतलब हर कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब खाना पीना अपना बैठना चलता रहता है, तो इधर मेरे को लगता है सेफ ही होगा फिर उस हिसाब से। सुनसान तो है नहीं यार, लोग तो चले हुए इधर, रात का नहीं पता भाई, रात को भी इधर दो टेंट लेकिन लग गए, एक उधर एक यहाँ बड़ा टेंट लग गया पीछे। तो गाइज बाकी अपना खाने पीने के बाद जो कचरा वगैरह वो मैं इधर ही रख रहा हूँ, वो अभी मेरे पास थैली नहीं है, फिर इसमें से कोई खाली होगी उसमें डाल के डस्टबिन में रख दूंगा। और यार ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बार बार क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कचरा है, देखो बहुत ज़्यादा कचरा है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बोतलें तो इतनी हैं, वो देखो वहाँ लाइन से रखी हुई है किसी ने, अब इतना सारा तो भाई क्या बताएं। अब यार ये लोकेशन कुछ टाइम में ना ख़राब हो जाएगी, मुझे लगता है फिर पुलिस वाले जो है ना या लोकल्स कुछ कदम उठाएंगे तो फिर वो यहाँ पे भी कैंप नहीं करने देंगे। तो चलो घुमाते हैं गाड़ी, बाकी ये माउंटेन बड़ा मस्त लग रहा है। तो यहाँ से अपना सब सोच के जो जो छूटा था ले लिया भाई, क्योंकि आगे मुश्किल होती है, मिलता नहीं है सामान। तो ये आ गया सामने, देखिए तांडी ब्रिज, ये लो भाई ब्यूटीफुल तांडी ब्रिज। तो यहाँ से शायद 30 किलोमीटर के करीब होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है जिस्पा यहाँ से, और बस पहुँचते हैं जिस्पा फटाफट और अपना शाम का जो है सेटअप लगाते हैं अपना। ये सामने ही दो रोड दिख रहे होंगे, राइट वाला जा रहा है ले, लेफ्ट वाला जाता है उदयपुर, किलाड़, किश्तवाड़, कश्मीर तक जाता है ये, करेंगे इसको भी कभी। चलो अब तो मक्खन रोड है जिस्पा तक जहाँ तक मुझे याद है, अगर कहीं ख़राब होगा तो पता नहीं। तो ये सामने आ गया किलोंग, और ग्रीनरी में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार किलोंग भी। तो ये आ गया जी आखिरी पेट्रोल पंप ले मनाली हाईवे का, ये देखो अब इन्होंने इधर लगा दिया बोर्ड, उपासक फिलिंग स्टेशन, उपासक हाँ, नेक्स्ट पेट्रोल पंप 330 किलोमीटर अहेड, पीछे शायद 336 लिखा हुआ था या 339 ऐसी कुछ याद है मुझे, बाकी मैं तो नहीं भराऊंगा क्योंकि मैंने पीछे भरा लिया है तांडी में ही, तो यहाँ वहाँ से 7-8 किलोमीटर ही है, यहाँ से फिल जरूर कर लें और हो सके तो तांडी से ही कर लें, क्योंकि क्या भरोसा यहाँ मिले ना मिले, वैसे मिलता है लेकिन कोई भरोसा नहीं होता किस्मत का, अगर यहाँ ना मिले तो वापस जाके जरूर भर ले तांडी में। ये देखो भाई इधर हुई है बारिश, क्या मस्त लग रहा है, गीला गीला रोड एकदम बढ़िया लग रहा है यार, पीछे धूप लगी थी तेज, मतलब यहाँ भी अब मौसम ठीक है लेकिन बारिश हुई है यहाँ पे। तो यार ये जो एरिया है ना ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वैसे भी ये जो रास्ता है जिस्पा से, मतलब किलोंग से जिस्पा तक बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सीनिक है, मस्त है, मतलब एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे भी देखो अगर हम लंच करना चाहते तो यहाँ पर भी कर सकते थे, अच्छी लोकेशन है, देखिए गाड़ी यहाँ खड़ी करके ऊपर थोड़ा जाके, बहुत ही प्यारी लोकेशन है यार। और ये देखिए सामने के नज़ारे क्या मस्त नज़ारे हैं, वो ग्लेशियर है, वाटरफॉल्स हैं, बहुत सारे, मतलब मस्त लगा मुझे यार इस बार, मतलब वर्थ है इस बार लद्दाख आना,
क्योंकि अभी तक भी बर्फ है और वो सामने बड़ा सा एक झरना गिर रहा है, ये देखो ऊपर बर्फ है, ऊपर से बर्फ है नाली में और नीचे आकर के जो है, अरे बीच में पहाड़ी कैसे आ गई, कितनी सुंदर आई वो सामने रहा फर्स्ट व्यू ऑफ जिस्पा, तो काफी ज्यादा सुंदर है भाई ये भी जगह। और यहाँ से जो माउंटेन्स है बहुत बढ़िया व्यू आता है माउंटेन का, तो देखते हैं। मैंने सुना है जैसे लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कैंप लोकेशन वगैरह रखी नहीं है लोगों ने, जो कैंप साइट वाले हैं वहीं पे लगा सकते हैं कुछ चार्जेस दे करके, और चार्जेस भी काफी हाई है मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना। बाकी देखते हैं क्या है, आपको बताते हैं अगर हमें कोई फ्री लोकेशन मिलती है तो ठीक है, अगर किसी के कैंप में लगाते हैं तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी यार बहुत सुंदर है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई ये जगह। जब मैं आया था फर्स्ट टाइम तो 2 बजे पहुंचा था यहाँ, और 2 बजे से शाम 6-7 बजे तक मैं यहाँ इधर उधर घूमता रहा पैदल ही, बहुत ज्यादा सुंदर लगा मुझे। तो यार अभी मैंने यहाँ पे बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, और मैं इसी को जिस पर समझ रहा हूँ, अरे भाई मतलब मैं भूल गया हूँ। तो आगे अभी जिस पर, तो मैं सोच ही रहा था कि यार ऐसा रोलिंग स्टोन एरिया है एक जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मैंने सोचा वो कहाँ चले गए सारे पत्थर, मुझे लगा कि हटा दिए होंगे या कुछ यूज कर लिए होंगे। देखिए ये वाले पत्थर अभी आगे बहुत आएंगे ऐसे, अच्छा काफी पीछे था मैं अभी। ये है वो पत्थर वाला एरिया इधर, ये पेड़ों के बीच में बड़े बड़े पत्थर। दारचा 9, बाराला चला 54, सरचू 86। चलो भाई सारे डिस्टेंसेस देख लिए। ये है जिस्पा, पर देखिए नोटिस लगा हुआ है भाई नदी किनारे जाना मना है सेल्फी वगैरह लेने के लिए, कैंपिंग के लिए तो लिखा नहीं, और सेल्फी के लिए भी लोग मुझे नदी किनारे दिख रहे हैं, वो देखो घूम रहे हैं। तो सागर भाई पहुंच गए लोकेशन पे, और यहीं सामने कहीं से राइट साइड को रोड जाएगा नीचे नदी किनारे को, तो वहीं पर चलते हैं भाई और करते हैं आज अपना सेटअप। तो मुझे लग रहा है यहीं से है नीचे को, कैंपिंग कर सकते हैं नीचे, ठीक है भाई थैंक यू। तो लग रहा है यहाँ पे है लोकेशन। अरे भाई ये कैसा खड्डा है भाई, इधर तो गाड़ी भी लग सकती है नीचे। तो गाइज मैं आ गया हूँ जिस पास से थोड़ा आगे, नीचे रिवर साइड गया था, लेकिन वहां से मैं भाई को सागर भाई को बोल के आ गया आगे कि मैं जो है चेक पोस्ट पे पूछ के आता हूँ, क्योंकि हर कोई अलग अलग बता रहा है, कोई 6 बजे का टाइम बता रहा है, 6 से 9, 6 से 10, कोई 9 से 12 का बता रहा है। तो भाई सुबह मतलब उस हिसाब से हम निकलेंगे यहाँ से। और बाकी ये खूबसूरत सी जगह है दारचा और जिस्पा के बीच में, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ही मस्त है जगह ये। देखिए क्या खूबसूरत रोड है, बिल्कुल क्लीन रोड, एक दिन का भी नहीं है रोड में, और बस 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा दारचा, और बस उधर पुलिस वाले तो होंगे ही, मुझे खुद ही रोक लेंगे वो, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सीन है और जांस्कार का क्या है, अभी आपको पता बता दूंगा मैं कि जा पाएंगे हम कल जांस्कार या नहीं जा पाएंगे भाई, फिर नहीं तो वापसी में जाएंगे भाई, आएंगे मतलब वहां से, तब तक तो खुल ही जाएगा शायद। बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं भाई वहाँ चेक पोस्ट से, दारचा चेक पोस्ट से। तो जांस्कार का रोड जो है कल सुबह से स्टार्ट होगा, मतलब कल सुबह से ही गाड़ियां चलेंगी, और आज रात को जो है लाहौल स्पीति पुलिस का जो फेसबुक पेज है वहां पर अपडेट हो जाएगा टाइम, और ले जाने का सुबह सर ने टाइम बताया 8 बजे के करीब। तो सब अपना अपना टाइम बताते हैं, अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि इतने बजे से इतने होगा, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बता देते हैं लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिस पास से आगे जा करके मैं पूछ के आता हूँ यार, 2-3 किलोमीटर क्या है, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मजा आ जाता है। तो भाई काफी खुशखबरी है, बस आप लोग प्रे करिए, मतलब तब तक तो हम कर लेंगे यार, तो बस मैं प्रे करूंगा कि भाई भगवान मतलब सुबह तक ऐसा ना हो कि मतलब कल भी रोड ना खुलेगा, मतलब वैसे आज जो है बता रहे हैं सर कि रात को डिक्लेयर हो जाएगा कि कब कितने बजे जो है सुबह भेजा जाएगा ट्रैफिक। तो बंद क्यों था रोड, किसी ने बताया पुल टूट गया, कपिल भाई ने बताया था मुझे कि पुल टूटा हुआ है वहां पे जाम लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जो है काम चला हुआ है रोड का, और बर्फ पड़ गई थी तो थोड़ा सा शायद काम वगैरह जो है रह गया था वो कंप्लीट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए रोक भी लिया। स्नो से भी मतलब लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो भी खत्म हो गया, अब होगा अब तो स्नो, और रोड का काम भी जो है कंप्लीट हो गया होगा। तो भाई सबसे पहले मैंने सर से यही पूछा कि अल्टो जाएगी क्या, सर बोलते हाँ भाई अल्टो जाएगी, सब जाएगी, बस आप चेक करना फेसबुक पेज पे।
तो चलिए अब चलते हैं अपनी कैंप लोकेशन पे। वो देखो वो लगी है हमारी गाड़ियां रिवर साइड। तो गाइस ऊपर देखिए हो रहा है सनसेट, मतलब सनसेट का टाइम तो नहीं है अभी, शायद 5 बजे होंगे। और यहाँ पे पहाड़ी बहुत ऊंची है तो जल्दी सूरज चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए लोग ही लोग आ गए हैं भाई। ये जो वहाँ पे लगी हुई है गरारी सी, इसको झूला बोलते हैं, गरारी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, इससे सामान इधर उधर बेचते हैं, कई बार आदमी भी जाते हैं यहाँ, पता नहीं मैंने देखा नहीं ध्यान से। और इधर जो है अपने कैंप लग चुके हैं, अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं लगाऊंगा रूफटॉप टेंट। हवा बहुत तेज है, पता नहीं देखेंगे क्या करेंगे यार, हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। और इधर इन लोगों का लग गया भाई टेंट, लग गया सागर भाई का, और उधर भाई भी लगा रहे हैं, सब लगे हुए अपने अपने काम पे। तो गाइस किचन ओपन हो गया है, गाड़ी सेट हो गई है, रूफटॉप टेंट खोलते हैं थोड़ी देर में और सब्जी बनाने की तैयारियां करते हैं भाई। तो ही मैंने कर दिया सेट यहाँ पे अपना किचन, यहाँ पे पानी सब्जी और मतलब एक्स्ट्रा सामान, उधर रखेंगे चूल्हा अपना, उधर लगेगा तड़का। और एक बार मैं दिखा देता हूँ, सबकी गाड़ियाँ फाइनली सेट हो चुकी है ढंग से। ये काली भाई का, ये देखो ये भी ब्लॉग करते हैं, सभी लगे हुए हम। तो उधर उनका भी बन रहा है कुछ, यहाँ पे अपना भी बनेगा अभी। और लिंगड़ी धोनी पड़ेगी, थोड़ी सी आधी रहेगी धोने को। तो गाइज यहाँ पे बन रही है चाय, कच्ची शेफ है तो धमकी तो बहुत दे रही है कि मैं खतरनाक चाय बनाऊंगी है। मैंने तो एक बार भी नहीं, ये तो शेफ को, शेफ भानु को भी वो दे रही है चैलेंज, और मेरे को शेफ और भानु को बोल रही है आपको तो मिलेगी भी नहीं। भाई बहुत खतरनाक लोग है यहाँ। मैंने एक बार भी नहीं बोला, ठीक है। भाई इतना झूठ। तो गाइज वो देखो उधर क्या हो रहा है, कितने प्यारे माउंटेन्स है, और देखिए उनके ऊपर जो फॉग है ना, क्या मस्त लग रहा है। उधर धूप लगी हुई है यार। और ये भाई देखिए 10x किया था, 1x पे ये है और 0.6 पे ये है, देखना आप ट्रांजिशन। ओए होए होए, चलिए सब्जी क्लीन करते हैं, सुबह का प्रोसेस रह गया है। लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो बता देता हूँ, ये देखिए। तो भाई यहाँ पे मैं नहीं तो काटा, वो लिंगड़ सब्जी काट रहा था और भाई ने ना मेरे को बीच में डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी जा रहे हैं हम लकड़ी लाने। ठंड यहाँ पे है ज्यादा, लेकिन एक बात है देखो, जैसी भाई ने कुल्हाड़ी पकड़ी है, आपको लगता है इस बंजर एरिया में लकड़ी इतनी मोटी मिलेगी? लकड़ियां देखो यार, मिल जाएगी। ये देखो ना ये जड़े है ना, ये देखो ना जलेगी ये तो। चलो तो चलो आगे चलते हैं। तो गाइस ये लग रहा है हमारा तड़का और मसाले तो डाल दिए। तो भाई आज मैं देखता हूँ कैसा बनेगा खाना, क्या होगा पता नहीं, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ ये लिंगड़ी की सब्जी बनाने का। तो भाई यहाँ बन रहा है हमारा खाना, आपका चला हुआ कुछ यार? चला हुआ, भालू कुछ टेंशन में लग रही है। ये टेंशन तो खाना तो खा ही लेंगे अब कम से कम, अगर नहीं मानेंगे तो। तो गाइस यहाँ पर ना अलाउड नहीं था और हम लोकल को, हाँ डाल दो अब तो जो मर्जी डाल दो अब टेंशन नहीं है। तो अब जो है हमारा शेफ भी चेंज हो गया है, मेरी जगह आ गई है शानू, क्योंकि हाँ जी ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी होगी ना, तो उनको बोल दूंगी तो खाना खुना अपना लेंगे। हाँ फिर गाड़ी में सो जाएंगे कहीं आगे जाके, फिर कहीं आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल ढूंढने का कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा भाई। तो यार हमने तो दिन को लगाए थे टेंट, दिन को बोलता कोई। हाँ तो यार पुलिस वाले सर आए, वो कर रहे हैं बात, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब लोकल्स लोकल्स का ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ लेकिन गो लोकल्स का ऑब्जेक्शन है पंचायत का। हाँ वो गलत तो है। तो गाइस यहाँ पे ना शानू ने ना क्रेडिट लेने के लिए सब्जी बना ली, इनको पता था कि मैं अच्छी बनाऊंगा इसलिए ना मेरा क्रेडिट, अपना चाय का क्रेडिट तो खो दिया। कोई बात नहीं, कल इनको मौका देंगे, ऐसा तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब भानु बनाएगी रोटी और सब्जी, पता नहीं कैसी, अरे ऐसी बनती है सब्जी नॉर्मल, बस कोई उसमें कोई वो नहीं है। इसको बंद कर दो गिर जाएगा, सब निकल जाएगा। इसको ना अब अच्छी तरह से भूनना है। हाँ ठीक है ठीक है, तो बस अब इंतजार करते हैं डिनर बनने का।
और भाभी जी ने तो बना के पहले फ्री हो गए। और ये देखिए ये हम खा रहे हैं, पर ये मीठा इसको हम बाद में खाएंगे, खाने के बाद ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस यहाँ पे सब्जी हो चुकी है रेडी, ठीक ठाक बनी है, बढ़िया मस्त लगी। और शानू ने बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है। और उधर भाई प्लेट लेके खड़े हुए तो उसे बानू को टेस्ट करवाने के लिए। तो अब हाई कोर्ट से वहां से आएगा असली वो ठीक बनी है कमी क्या है। बाकी तो मुझे वैसे ठीक ही लग रही है। और गाइज मैंने शायद आपको बताया नहीं, यहाँ पे मतलब बताया पुलिस आई थी लेकिन उन्होंने जो है ना बात कर ली, ठीक है, नमक कम है ना, हाँ मैं चला जाता हूँ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ना पुलिस आई थी तो उन्होंने जो है हमें मतलब पहले तो बोला जाने को, क्योंकि यहाँ पे जो प्रधान है उधर ऊपर एक घर है उनको वहाँ से दिख रहे होंगे हम, तो उन्होंने मतलब एक सिस्टम बना रखा है कि यहाँ पे जो है कैंपिंग वगैरह अलाउड नहीं है, क्योंकि कैंपिंग अगर लोग करेंगे तो वो जो इधर के मतलब लोग हैं लोकल वो कमाएंगे कैसे, इसलिए जो है उन्होंने मतलब अलाउड नहीं रखा है। अगर आपको करनी है तो आप कैंप साइट वालों से पूछ के उनको पैसे दे के कर सकते हो, जैसा कि मैं आपको दिन को बता ही रहा था। और बाकी अगर यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा करनी है साइड में तो वो उधर घर है देख लो उस बड़े से पेड़ के पास व्हाइट कलर का, तो वहाँ पे जाके आप परमिशन ले सकते हो लोकल को पूछ के, लोकल को नहीं प्रधान को पूछ के प्रॉपर। और पुलिस वाले भाइयों ने तो हमारी कंडीशन देखी और उन्होंने जो है प्रधान को फ़ोन किया और अच्छे से समझाया कि भाई फैमिली है, टेंट लगाए हैं, मतलब तीन चार गाड़ियाँ हैं, तो फिर वो मान गए भाई ढंग से। और बाद में क्या हुआ, पुलिस वाला भाई हमारा मतलब मेरे जान पहचान का निकले तो फिर तो और मजा आ गया, और ज्यादा पोलाइट हो गया। हाँ मुझे समझ नहीं आता ये आप ऑडियंस ऑन है, हाँ तो आप एज ए ऑडियंस बताना, ये ओपिनियन ओपिनियन की बात है कि जैसे मतलब ये उन्होंने रीजन दिया है जो हाँ। कि उनको नुकसान होगा, ये अब किसी एंगल से ये भी सोच सकते हैं कि भी ऐसे तो फिर सभी अपना अपना सोचेंगे कि हमको भी नुकसान है, पर इस पे अभी भी ये नहीं जज कर सकते कौन सही है कौन गलत। वैसे मतलब कैंपिंग तो यार करने देनी चाहिए मतलब, पर चलो क्या बोल सकते हैं, वैसे बाकी भी तो एरियाज है आगे पीछे, वो भी तो कमाएंगे, वो तो कैंप करने दे रहे हैं है ना, जैसे तांडी में हो गया, सिसु में हो गया, हाँ तो टेंट लेके आता ही है, हाँ वही हर बंदा थोड़ी ना आएगा। हाँ तो आज जो है ना भानु को दे दी हमने रोटी बनाने की ड्यूटी, वैसे मैंने बोला था मैं सेक सकता हूँ लेकिन मान नहीं रहे हो, सब्जी आपने बना दी ना, हाँ वो मेरे को कष्ट नहीं देना चाह रही है। वैसे सागर भाई भी फ्री है, वो भी सेक सकते हैं, पर ऐसा है कि हम काली काली रोटी खाना नहीं चाहेंगे। तो गाइज मैं यहाँ पे जला रहा हूँ बोनफायर, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये सबसे बढ़िया फार्मूला है आग जलाने का, ये मेरा खाली सिलेंडर है और देखो ये कितना जल रहा है, तो मस्त थोड़ी सी बोनफायर हो जाएगी, मजा आएगा। तो गाइज यहाँ सानू ने ना पूरा ये संभाल लिया है थोड़ी, हाँ बस बस बस, तो सबको सर्व कर रही है और हमारी बोनफायर स्वाहा होने वाली है। और साथ में मैं खा रहा हूँ ये क्या था, चूरमा, हाँ ये आ गया भाई, घी और रोटी, दो रोटी खाते हैं अपना डिनर, आप भी आ जाइए गाइस, आप खा लीजिए ऐसे देख के, यहाँ पे ना हमारे पास जगह कम है तो सब थोड़ा थोड़ा अपना देख के मतलब जहाँ भी जगह मिल रही है, और कुर्सियाँ भी कम है, वीरेन भाई एक ही कुर्सी लाए हैं और भाई की एक टूट गई तो मतलब समस्या हो रही है हमें। तो गाइस खाना पीना खा करके अपना टेंट जो है लग चुका है, अब है सोने की तैयारी। तो यार मैंने हुक्स वगैरह लगाई नहीं क्योंकि ना ज़्यादा हवा है और ना ज़्यादा मतलब ठीक सा है, बढ़िया लग रहा है, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, या मैं सोच रहा हूँ इसको लगा लेता हूँ एक आधी, चलो वैसे ज़रूरत नहीं लग रही है भाई, चलो रहने देते हैं, ट्राई करते हैं आज ऐसे कैसा रहता है एक्सपीरियंस, फ्रंट वाली लगाइए बस। तो अभी आप लोगों को करते हैं यहीं पे गुड नाइट, मेरा अंदर बेड रेडी है, देखिए लाइट जली हुई है, तो बस जाएंगे अभी सीधा सो जाएंगे। और अपने वीरू भाई कर रहे थे कुछ काम, एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं तो टेंट के अंदर कर रहे थे, अब चले गए गाड़ी में, मतलब अपना काम चलता ही रहता है आपको पता है भाई, आपको टाइम पर वीडियो पहुँचानी होती है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी चलो चलता हूँ मैं अभी टेंट के अंदर, चलिए भाई सबको बोल दिया गुड नाइट, तो आप लोगों को भी गुड नाइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कल हम जाएंगे जांस्कार तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना।